यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी होएगा ये वाला एंगल, हमें किसके साथ इक्वल प्रूव करना है, एंगल एफ डी ई के साथ, मतलब ये एंगल के साथ ओवर ईयर। फिर क्या क्या डेटा हमें दिया है, हमें डेटा ये दिया है कि ये जो लाइन है ए बी ये किसके साथ पैरेलल है, पी सी के साथ पैरेलल है। क्लियर है सबसे पहले, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो ये एंगल ओवर ईयर एंड ये एंगल ओवर ईयर क्या फॉर्म करेगा जरा बताओ, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। देखो इंटीरियर दो पैरेलल लाइंस के अंदर है एंड दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से हम लोग इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्या बोला गया है, ये जो है, जस्ट वन सेकेंड है, जस्ट वन सेकेंड, ये जो बी सी है ये किसके साथ पैरेलल है, डी ई के साथ पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है, तो इसको जरा नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4, यहां पे भी सेम वही नंबरिंग, 1 2 3 4, चेक करो दोनों का नंबर सेम है, दोनों का नंबर सेम है, इसका मतलब क्या रहेगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेगा। चलो एक रैंडम वैल्यू लो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, अगर ये 30 है तो ये नीचे वाला एंगल भी क्या रहेगा, 30 डिग्री। तो डायरेक्टली आप ये प्रूव कर सकते हो, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता, जस्ट वन सेकंड रुको। हाँ पूछो रिया क्या डाउट है। सर ए बी किसके साथ पैरेलल है? ये देखो ए बी है ना, जो ए बी वाला पार्ट है ये सी पी के साथ पैरेलल, सी पी या फिर सी एफ, इट्स लाइक द सेम लाइन राइट, कोलिनियर है ना। हाँ कार्तिका क्या डाउट है? हेलो कार्तिका क्या डाउट है? सर आपका ब्रेक हो रहा है। अब ये काम वीडियो बंद करके रखो, वीडियो बंद करो, आपका नेट स्लो है। चल तो अभी हम लोग एक एक करके विल राइट वन वन स्टेप, ओके। सो सॉल्यूशन लिखना, सो द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर व्हाट वी आर गिवन इज कि ए बी जो है, ठीक है, ए बी दिस इज पैरेलल टू, किसके साथ है, सी एफ के साथ पैरेलल, मतलब ये एंटायर लाइन के साथ पैरेलल है, क्वेश्चन में ही मेंशनड है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग दे दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, 1 2 3 4, यहां पे भी वही सेम नंबरिंग, 1 2 3 एंड इधर आएगा 4। अब ये 2 3 1 4 ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। यहां से आप क्या बोल सकते हो कि एंगल ए बी सी, ठीक है, ये जो यहां पे एंगल है एंगल ए बी सी ये किसके बराबर है, एंगल बी सी डी के बराबर। कैसे, दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए बी सी ये इक्वल टू रहेगा एंगल बी सी डी के साथ। क्लियर है यहां तक, एंड इसका रीजन क्या लिखोगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। कोई डाउट है तो इधर तक पूछ लेना, पूरा इरेज कर रहा हूं। ये पार्ट हो गया, चलो एक अज्यूम करते कि ये कितना 30 डिग्री रहेगा, तो ये भी कितना रहेगा, आप लोग बताओ कितना रहेगा, ये भी 30 डिग्री इक्वल है, इसीलिए तो दोनों 30-30 रहेंगे। अब वैसे अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या बोला है कि ये जो बी सी है ये पैरेलल है किसके साथ, डी ई के साथ, तो आप क्या लिख सकते हो, बी सी इज पैरेलल टू डी ई, ऑलरेडी मेंशनड है क्वेश्चन में, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे चलो नंबरिंग दो, 1 2 3 एंड इधर आएगा 4, इधर भी वही सेम नंबरिंग दो, 1 2 3 एंड 4,
हमारा एंगल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एफ डी ई, मतलब ये एंगल ओवर ईयर, ये हमारा एंगल ऑफ इंटरेस्ट है। तो चेक करो, ये नंबर भी फोर है, ये नंबर भी फोर है, कैसे टाइप के एंगल फॉर्म होंगे, करेस्पॉन्डिंग। तो एंगल बी सी डी ये इक्वल टू रहेगा एंगल ई डी एफ के साथ, यहां पे रीजन लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अभी हमने क्या सोचा था कि ये कितना है 30, तो ये भी 30, तो ये भी कितना रहने वाला है, ये दोनों भी इक्वल है, तो ये कितना रहेगा 30। तो यहां से 1 and 2 से आप क्या बोल सकते हो, ये लिखना फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए बी सी ये इक्वल टू रहेगा एंगल ई डी एफ या फिर एफ डी ई, दोनों का मतलब सेम। ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रूफ्स नहीं है, सिंपल है, बस आप लोग अपना लॉजिक यूज करना, वो नंबरिंग यूज करना, बराबर हो जाएगा। चलो यहां तक हो गया सबका लिख के, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना। सर हाँ बोलो, मुझे एक डाउट है, कॉन्ग्रुएंट और करस्पॉन्डिंग दोनों सेम रहता है कि अलग अलग है दोनों? करस्पॉन्डिंग, सी करस्पॉन्डिंग इज लाइक द टाइप ऑफ एंगल, कॉन्ग्रुएंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट इज वी विल डू दिस क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अब मेन क्या है, जरा ध्यान देना, मेन पार्ट इसका ध्यान दो। प्रूव दैट एक्स क्यू आर वाई, मतलब ये जो देखो अंदर देखो एक डॉटेड क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल रहना चाहिए, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल रहना चाहिए। रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या रहेंगे, 90 डिग्री। तो आपको बेसिकली सारे एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। इफ यू आर एबल टू डू दिस, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। सो हाउ विल आई प्रोसीड, बट इसका प्रोसीड कैसे करने का तरीका है, ये जरा ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी सिंपल प्रूफ। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्लियरली मेंशनड है कि ए बी पैरेलल है किसके साथ, सी डी के साथ पैरेलल है, इसमें किसी को डाउट है यहां तक? तो ये एंगल नंबरिंग दे दो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 1, 2, 3 and 4, यहां पे भी नंबरिंग देंगे 1, 2, 3 and 4। यहां पे नोटिस करो, ये 4 और ये 2 क्या फॉर्म कर रहे, दो पैरेलल लाइंस के अंदर है एंड ऑन द ऑपोजिट साइड्स, तो क्या रहेगा ये दोनों, क्या रहेगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट अपना प्रूफ का यहां से करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल राइट इज एंगल ए क्यू आर, ये एंगल ए क्यू आर ये इक्वल टू रहेगा किसके साथ, क्यू आर डी के साथ। आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो, ये क्या आएगा इसका आंसर, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। वैसे आप यहां पे भी देख सकते हो, ये देखो बी क्यू आर ये किसके साथ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बनाएगा, क्यू आर सी के साथ, बी क्यू आर ये इक्वल टू रहेगा एंगल क्यू आर सी के बराबर, ठीक है। यहां पे भी रीजन वही सेम आएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट। ये होता है हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ, वेरी सिंपल है, वापस रिपीट कर रहा हूं। अब जरा ध्यान देना, ध्यान दो जरा, यहां पे ये क्या बोला है कि ये जो QX है ये एक एंगल बाइसेक्टर है, तो आप बताओ अगर मैंने इसको X लिया तो ये भी कितना आना चाहिए, ये एंगल भी कितना रहना चाहिए, X. ओके, ये पार्ट क्लियर। अब देखो ये जो रेड एंगल था ये नीचे के रेड एंगल से बराबर है ना, तो ये भी एक्स आएगा और ये भी एक्स आने वाला है। इफ यू आर कंफ्यूज्ड, वेट, आई विल जस्ट गिव यू वन एंगल के साथ आइडिया।
सपोज ये एंगल कितना है 100 है, ठीक है, ये एंगल 100 है, तो ये नीचे का एंगल भी कितना रहेगा 100. अभी आप इसका एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो ये कितना रहेगा, ये 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा, ये 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा. कोई डाउट है अभी? ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो सारे एंगल्स है इनको मैंने क्या लिया, x लिया. वैसे अगर मैंने इसको y लिया रहेगा तो ये कितना होएगा, आप लोग बताओ, अगर इसको y लिया तो नीचे का एंगल कितना रहेगा, y. यहाँ पे भी ये सेम y और y रहने वाला है. यहां तक किसी को डाउट है? तो अभी हम लोग लिखते हैं इसका सेकेंड पार्ट लिखेंगे. तो सेकेंड पार्ट क्या है, एंगल ए, सॉरी ए क्यू एक्स इक्वल टू एंगल, देखो ए क्यू एक्स है, ध्यान दो कैसे नाम दिया इसका, ए क्यू एक्स, ये ए क्यू एक्स हो गया, ये ए क्यू एक्स एंगल, ये कौन से एंगल के बराबर है, एक्स क्यू आर का, एक्स क्यू आर, ये किसके बराबर रहेगा, एंगल क्यू आर वाई के बराबर रहेगा, क्यू आर वाई, एंड लास्ट एंगल क्या रहेगा, वाई आर डी, एंड ये इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल एक्स. वैसे आप लोग सारे वाई के नाम लिखो, सारा वाई का एंगल, y का एंगल्स लिखना सब, क्या क्या नाम आएगा एक एक y का एंगल का, मैं जरा x को इरेज करता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो. चलो y के एक एक एंगल के नाम लिखना, क्या आएगा, एंगल बी क्यू वाई, वेरी गुड, टू एंगल, एक सेकंड एक सेकंड, एक एक टाइम पे एक एक जन बोलो. नेक्स्ट, अभी रिया मत बताना, नेक्स्ट एंगल क्या रहेगा, आई क्यू आर, वेरी गुड, वाई क्यू आर, ये देखो वाई से लेके क्यू, क्यू से लेके आर. नेक्स्ट एंगल देखो किसके बीच में है, एक्स आर और क्यू के बीच में, तो नाम क्या आएगा, एंगल आर क्यू. अब नेक्स्ट एंगल देखो, ये इसके बराबर है सी आर एक्स के बीच में है, तो इसका नाम क्या दोगे, एंगल एक्स आर सी, XRC या फिर CRX, और इन सब का वैल्यू कितना रहेगा, Y. कोई डाउट इधर तक? सबका नाम मैं लिखता हूं, ये X, X ये Y, Y ये भी क्या रहेगा, X, X ये रहेगा Y, Y. अब जरा ध्यान देना, अब यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये वाले पार्ट पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये देखो ए क्यू आर और आर क्यू बी क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ए क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर, ये इक्वल टू कितना रहना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर है. तो ये ए क्यू आर देखो, ये पूरा एंगल कितना रहेगा, पूरा एंगल 2x रहेगा. सेम वे ये बी क्यू आर क्या रहेगा, 2y. दोनों में 2 कॉमन है तो 2x प्लस y आएगा, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री. तो यहां पे क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2, दूसरे से जाके क्या होएगा, डिवाइड होएगा, तो हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री. क्लियर है फर्स्ट वाला पार्ट सबको, क्लियर? तो हमने देखो इससे क्या फायदा क्या हो गया, मैं आपको समझाता हूं. देखो हमें x प्लस वाई कितना मिला, 90 डिग्री मिला ना, तो एक एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव किया,
वैसे आप नीचे के लिए खुद से ट्राई करो, ये नीचे का लीनियर पेयर के लिए जरा खुद से ट्राई करना, नीचे का लीनियर पेयर खुद से जरा ट्राई करो, दैट इज सी आर क्यू एंड क्यू आर डी के लिए खुद से जरा ट्राई करना, ये भी सेम आएगा, ट्राई करो, लेकिन एंगल का नाम लिखने नताले सॉल्व करो, नहीं तो समझेगा नहीं आपको, दिख रहा नहीं क्या आपको? हेलो नताले किधर है वो? हेलो नताले सुनाई दे रहा है? हेलो हाँ सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। ये जरा सॉल्व कर नीचे का एंगल के लिए, नीचे का एंगल क्या रहेगा? सेम आएगा ना, बस एंगल का नेम चेंज होगा, बस नेम चेंज, सी आर क्यू प्लस दूसरा एंगल का नाम क्या रहेगा? देखो ये एंगल किसके बीच में, कौन से दो साइड के बीच में? क्यू आर और डी के बीच, एंड दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सेम आपका सी आर क्यू रहेगा 2x, क्यू आर डी रहेगा 2y, इक्वल टू रहेगा 180 डिग्री। सेम x प्लस y इक्वल टू कितना रहेगा? ये भी 90। तो नीचे वाला एंगल भी हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। चलो दो एंगल हो गए, यहां तक कोई डाउट है? अब देखो ये एंगल का नाम हमने क्या दिया था? x। ये एंगल का नाम हमने क्या दिया था? y। तो इसको आप क्या नाम दो? z नाम दो, दे दो z। अब जरा ध्यान देना थर्ड पार्ट, वेरी सिंपल है। अब देखो यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, बेसिकली शेप क्या है यहां पे? एक सेकंड है, जस्ट वन सेकंड, मैं आपको एंगल्स मार्क करके देता हूं। ये तीनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं यहां पे? ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये एंगल को हमने क्या लिया? जेड लिया। ट्रायंगल का सारे एंगल के मेजर कितने रहने चाहिए? 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। अभी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या रहेगा? अभी हमने किया था, देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो z इक्वल टू क्या होएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा? हो गया, z को भी हमने क्या किया? 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ठीक है, वैसे आप क्या करो, ये साइड आप खुद से करना, इसको आप क्या करो, ये आप इधर लिख के रखना है कि आपने क्या किया, एंगल क्यू एक्स आर को आपने क्या लिया? जेड लिया, ये आप बता देना। वैसे यहां पे आप कौन से एंगल को ए लोगे जरा बताओ, कौन से एंगल को ए लोगे? एंगल का नाम क्या रहेगा जिसको मैंने मार्क किया है? एंगल क्यू वाई आर। एंगल क्यू वाई आर, इसको आपने क्या लिया? चलो इसके लिए ट्राई करो, ये क्या था? वाई था। नहीं लिया। चलेगा, कोई भी एक नोटेशन ले लो, हमें पता नहीं है ना। देखो अगर आप z लोगे ना, तो इसका मतलब आपको पहले ही पता है कि ये दोनों इक्वल है, समझ रहे हैं ना? इसके लिए मैंने एक डिफरेंट नोटेशन लिया, ये y था, ये x था, मैं ऑलरेडी अभी किया था जस्ट, फिर वापस ट्राई करो, क्या आएगा यहाँ पे? x प्लस आगे x प्लस x प्लस y प्लस a इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 plus a equals to 180 degree. Oh, 90 plus a equals 180 degree. तो हमारा a equal to रहेगा 90. तो हमने ये एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया, जिससे हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। एनी डाउट कोई पार्ट में पूछ सकते हो। Was a good sum, मतलब बहुत सारे चीज है, मतलब पूरा सम अच्छे सारे कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलो जो थोड़े बहुत जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। दैट वॉज ये वाला थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, जरा खुद से डायग्राम जरा बनाना,
पहले आप क्या करो, दो पैरेलल लाइंस बनाओ और इनके बीच में परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। जरा बना लो, ऑटोमेटिक डायग्राम भी समझ जाएगा। पहले दो पैरेलल लाइंस, इनके बीच में एक लाइन है जो क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री रहेगा। आप क्या करो, इसको ए लिखो, ठीक है। अब यहां पे पूछा है कि ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, ये आप प्रूव करो। क्या रहेगा ये एंगल ए और एंगल बी क्या रहेगा, कैसे टाइप के एंगल, नंबर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का नंबरिंग दो, 3, 4, 1, 2, 3 और ये आएगा। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, पहले ये लिखना, पहले इसका नाम लिखना, लाइन एल लिखना, लाइन एम। तो यहां पे लिखना लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल। हेंस आपने प्रूव किया कि अगर ये जो लाइन है पहले लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा तो वो दूसरे लाइन को भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। यही प्रूव करना था ना, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हरिया क्या हो गया सर, ये जो लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे है वो ट्रांसवर्सल ही होगा ना, ट्रांसवर्सल, चलेगा, इसका नाम ले लो ट्रांसवर्सल। हाँ, और क्या सर, बस इतना, बहुत ही सिंपल प्रूफ था, इसमें कुछ था भी नहीं। चलो नेक्स्ट, ये जरा डायग्राम बनाने का ट्राई करो, इसका ऊपर का क्वेश्चन था। इसमें बस हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो लाइन एन है ये एम को पैरेलल है, बस इतना है, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल बी 90 डिग्री चाहिए था, बस ये प्रूव करना था। चलो ये ट्राई करो, ये सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बनाने। रे पी क्यू, ये वाला हमारा रे पी क्यू रहेगा एंड दूसरा क्या है, रे पी आर। तो ये कहां से स्टार्ट होएगा, पी आर कहां से स्टार्ट होएगा, पी से एंड इनका एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, पॉइंट बी ये एंगल के इंटीरियर में है, इंटीरियर में मतलब कहां पे आएगा, अंदर, अंदर आएगा पॉइंट बी। एंड ए कहां पे आएगा, ए एक्सटीरियर पे मतलब बाहर आएगा, ठीक है। अब क्या करो, क्या बोला है, रे पी बी मतलब पी से आप क्या करो, बी के तरफ एक रे बनाओ एंड रे पी ए, पी से लेके क्या करो, ए के तरफ एक रे बनाओ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। डायग्राम क्लियर सबको, चेक करो पहले डायग्राम सबको क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है तो पूछो। ये आएगा इधर, नाम आएगा ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, पेयर मतलब आपको जोड़ी बनाना है, अगर ये जोड़ी को अगर आप ऐड करोगे तो एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। कौन है जोड़ी जरा बताओ, इधर देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री सानवी बताओ कौन सा दो एंगल मिलके बना रहा है 90 डिग्री, क्यूपीबी और बी, क्यूपीबी, ठीक है, क्यूपीबी और कौन सा एंगल इसके साथ ऐड किया तो 90 डिग्री आएगा, बीपीआर, एक सेकेंड। चलो आपने क्या किया, क्यू पी बी बताया, दूसरा एंगल क्या रहेगा, आर पी ए, आर पी ए, ये दो एंगल कैसे 90 डिग्री हो गया, ये दो एंगल कैसे 90 डिग्री हो गया,
कौन सा एंगल आएगा? ये देखो ना, यहाँ पे ना नेक्स्ट एंगल, इन दोनों को ऐड किया तो 90 डिग्री आएगा ना, तो इसका नाम क्या आएगा ये एंगल जो बनाया मैंने अभी? BPR. तो ये दोनों क्या रहेगा? सबसे पहला पैर रहेगा, जोड़ी रहेगा. नेक्स्ट वाला ये बताओ रिशॉन, बताओ नेक्स्ट वाला जोड़ी कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है पहले, कौन सा एंगल? QPR. QPR तो हो गया 90 डिग्री. दूसरा क्या है जहां पे 90 बन रहा है? BPR. BPR 90 कैसे? BPR 90 है क्या? ये 90 डिग्री है, ये BPR 90 है क्या? RPA. देखो जरा, अरे आप देख के बताओ ना, आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये RPA 90 है क्या? सर दिख रहा है क्या 90 डिग्री है? नहीं. हाँ तो बोलो कौन 90 है. हाँ कोई बोल सकता है कौन 90 है? जरा रिशॉन को बताओ कौन 90 है इसमें. हाँ सर, QPR, BPR और RPA. हाँ सबसे पहले 90 डिग्री कौन है मैं पूछ रहा था, तो 90 डिग्री यहाँ पे कौन रहेगा? BPA. ये 90 डिग्री था. तो ये 90 डिग्री बना कौन रहा है? एक ये BPR बना रहा है, एंगल BPR, एंड दूसरा कौन बना रहा है? दूसरा एंगल का नाम क्या रहेगा? RPA. क्लियर है ये? तो ये हो गया सर, बोला ना. अरे नहीं, मैं आपको पूछ रहा था 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, मेरा क्वेश्चन आपको समझा नहीं लग रहा है. मैं 90 डिग्री किधर बन रहा है वो पूछ रहा था. तो 90 डिग्री कौन था? BPA 90 डिग्री था ना, ये मेरा क्वेश्चन था. अफकोर्स आपने जोड़ी बराबर बोला, कि मेरा क्वेश्चन अलग था. पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या यहाँ पे कहीं पे भी 180 डिग्री बन रहा है क्या? नहीं नहीं बन रहा. तो यहाँ पे कोई भी सप्लीमेंट्री पेयर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. नो सप्लीमेंट्री पेयर. बोलो सर, पेयर बोले तो हम दो एंगल्स को लाइक जॉइन कर सकते हैं ना, दूसरे हाँ, करो जॉइन करो. और QPR और BPA ये 90 90 180 होगा ना? ओके ठीक, हाँ वैसा सोच सकते हो. बरोबर बरोबर. तो यहाँ पे एंगल QPR एंड एंगल BPA, वेरी गुड. ये दोनों सोच सकते हो, ये दोनों 90 90 है, एड करोगे तो 180 आएगा. गुड गुड, करेक्ट है ये वाला. वैसे पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, तो पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन कौन रहेंगे? सेम रहेगा, जहां पे 90 बन रहा है वही सेम रहने वाला है. एंगल QPR एंड एंगल BPA. कैसे? क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है ना, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल मेजर ना, वही इक्वल मेजर. इधर तक तो किसी को डाउट है तो पूछना ये क्वेश्चन. तो इससे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. अब हम लोग अलजेब्रा का जो सेकंड चैप्टर है उसमें ना दो पार्ट्स था जिसका मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, हम लोग वो दो पार्ट्स करेंगे. दैट इज ट्रू रूट टू इज इरेशनल, वो वाला हो गया सबका लिख के. यस सर. तो अलजेब्रा का नोटबुक लेकर रखना. मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस रिजॉइन करना सेम लिंक पे, वापस रिजॉइन, क्योंकि ये सेम वीडियो में रखना बराबर नहीं, वापस रिजॉइन करना.